स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। वन परिक्षेत्र जबलपुर के अंतर्गत दिनांक 6 फरवरी 2024 को श्री कमल अरोरा मुख्य वन संरक्षक, ऋषि मिश्र वन मंडलाधिकारी, अपूर्व प्रखर शर्मा वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अशासकीय महाविद्यालय श्रीराम कॉलेज के 181 बच्चों ने जोर शोर से भाग लिया के द्वारा डुमना नेचर रिजर्व में वन भ्रमण कराया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वन एवं वन्य प्राणियों, विशेष तौर से बाघ से संबंधित जानकारियां दी गई, वन विभाग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। विद्यार्थियों के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर प्रतियोगी के रूप में भागीदारी की। कार्यक्रम का समापन विधायक महोदय द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिए विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरण कर किया गया। शालाओं के शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा वन विभाग के इस कार्यक्रम की प्रशंसा कर साधुवाद ज्ञापित किया तथा विद्यार्थियों ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। जबलपुर से आशीष महोबिया की रिपोर्ट। जैसे कि आपने बताया, मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर डिवीज़न में अनुभूति कार्यक्रम कराया जा रहा है, उसी तरह क्रम में मेरे द्वारा यहाँ पे 5 शिविर कराया गया, जिसमें 2 शासकीय शिविर थे, 2 अशासकीय विद्यालय और 1 अशासकीय महाविद्यालय। ऐसे कुल 5 शिविर कराए गए और पूरे जबलपुर डिवीज़न में 17 शिविर कराए गए हैं, अलग अलग रेंज से, शेखपुरा, पाटन, बरगी, जबलपुर, पनागर, सिहोरा, कुंडम में। इन 17 शिविरों में करीब करीब 2200 बच्चों ने सम्मिलित हुए हैं टोटल। और इस शिविर का, हमारे इस बार का थीम था मैं भी बाघ। मैं भी बाघ थीम जो मुख्यालय से चयनित किया गया है, इसका तात्पर्य यही है कि हर प्राणी में एक बाघ है। जिस तरह बाघ एक इकोसिस्टम में अम्ब्रेला स्पीशीज़ की तरह है, इसी तरह हर इंसान एक बाघ की तरह बन सकता है। और एक बाघ के कंजर्वेशन के लिए हम कितनी सारी स्पीशीज़ को और साथ में कंजर्व करते हैं, उसके महत्व बताया गया है। और जैसा कि हर साल अनुभूति कार्यक्रम होता है, इस साल भी वैसे अनुभूति कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बच्चों को वन भ्रमण, पक्षी दर्शन और अन्य प्रतियोगिताएं भी कराई गई हैं। बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं इस कार्यक्रम में। मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये देखी कि बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। जैसा कि आज भी हमने कराया, 126 बच्चों को आना था, उनकी लिस्ट भी आई थी, लेकिन 181 आ गए हैं। और उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि इतने उत्साह से बच्चे आ रहे हैं। और ये श्रीराम कॉलेज के बच्चे थे जो आज आए थे, और NCC के कैडेट से ये तो बहुत ही डिसिप्लिन एंड बहुत ही अच्छे बच्चे, और बहुत ही उन्होंने इन्जॉय किया। जी, इन बच्चों को एक प्रतियोगिता कराई गई थी जो हमने उनको दिन भर में पढ़ाया, एज इन जो जंगल के बारे में बताया या फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताया, उससे संबंधित एक क्विज रखा गया था। उस क्विज में 1st, 2nd, 3rd को पुरस्कार दिए गए थे। जी, बिल्कुल। जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं डॉग स्क्वाड कैसे करता है, वैसे वन विभाग में डॉग स्क्वाड है टाइगर स्ट्राइक फोर्स का, जो वन अपराध में हमारी सहायता करते हैं। तो उनको पूरा डेमो दिखाया गया, कैसे अगर हमको डॉग स्क्वाड से सर्च कराना है तो कैसे कराते हैं, उनको ओबीडियंस दिखाया गया, ये सब बच्चों को दिखाया गया वहाँ पर। जी, जंगलों की बच्चों की शपथ दिलवाई गई और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के बहुत उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया।